ओम शांति। कल रात को हम आ गए थे पांडव भवन में। अमृत वेला किया हम लोगों ने, मुरली सुनी और फिर उसके बाद नाश्ता करके बाबा के कमरे में और कुटिया में हिस्ट्री हॉल में चार धाम की यात्रा की। शांति स्तंभ पे गए तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा योग करके चारों तरफ बहुत आराम से बहुत प्यार से बैठ करके योग किया। और अब हमें पता लगा है कि जो बाबा का कमरा देख रहे हो आप सामने सामने, उसके साथ वाला कमरा जो ये खिड़कियां बनी हुई हैं, ये मम्मा का कमरा है। मैंने उसका क्लिप इस वीडियो में डाला हुआ है बीच में, तो आप देख सकते हो वहाँ पर मम्मा रहते थे और ये बाबा का कमरा है, ब्रह्मा बाबा का कमरा। चार धाम की यात्रा करना बहुत ही खुश नसीब लोगों को मिलता है और यहाँ तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, और अगर आप भक्ति मार्ग में देखोगे तो बड़ा दूर दूर तक जाना पड़ता है। खैर, तो पांडव भवन में आने के बाद सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता ही है कि यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल है। कहाँ भी बैठ जाओ आप और बहुत ही प्यार से योग भी लगेगा आपको। भोजन यहाँ का बहुत ही प्योर पवित्र शुद्ध थॉट से बनाया जाता है, बहुत अच्छे से वाइब्रेशन दिए जाते हैं। और पिछले साल में जब आया था तो मैंने यहाँ संकल्प रखा था कि निशा भी साथ में आए तो बहुत अच्छा होगा, और देखो एक साल हुआ भी नहीं कि उसके पहले हम लोग आ भी गए हैं और पांडव भवन में अमृत वेला भी किया। ये है मम्मा का रूम। मम्मा के रूम में आप देख सकते हो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह पड़े हुए हैं, डाले हुए हैं, पर यहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। भाई बहने बाहर बैठकर मुरली ज़रूर पढ़ते हैं पर कोई अलाउड नहीं है अंदर साइड में बैठ के योग करने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने शांति धाम की ओर। यहाँ पांडव भवन में एक रात बिताने के बाद और दिन भर खाना भोजन नाश्ता करके फिर निकलना ही था, क्योंकि फिर क्या होता रात को लेट बस जाती तो उसके लिए अलग प्रोग्राम सेट होते। फिर तो रास्ते के नज़ारे आप देख रहे हो, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और काफ़ी गहराई में, बहुत खाई है, मतलब ऐसा गहराई में है ना, बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही मनमोहक है। बट ये कैमरे में आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम बस में बैठे हुए हैं और ये बस आपको पता है कितनी हिलती डुलती रहती है, प्रॉपर विज़न नहीं मिलता है देखने के लिए। पर मेरा ये संकल्प है कि मैं पर्सनली आऊँगा और फिर एक व्लॉग बनाऊँगा प्रॉपर मस्त बढ़िया कैमरे से, ड्रोन वगैरह शूट करेंगे। तो उस तरह के करने से आपको आइडिया मिल सकता है कि कितना होगा ये, कितना गहराई में होगा, कितना कुछ होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, बंदर बहुत हैं, भालू बहुत हैं। मैं पिछली बार आया था तो मैंने वो वीडियोस जो भालू के साथ में थे वो भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये है हमारी बस, कुछ इस तरह से दिखती है। काफ़ी भाई बहने नीचे से ऊपर आते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं अमृत वेला करके, जो एक दिन के लिए दो दिन की परमिशन मिलती है उसके बाद। तो हम यहाँ पर अमृत वेला करने के बाद फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होते हुए, और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को वहाँ पर आम के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। फिर शांतिवन पहुँचने के बाद डायमंड हॉल के बिल्कुल पीछे योग लगाने के लिए अगर आपको लाइट्स चाहिए, ट्रांस की लाइट चाहिए, वो बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ में लगी हुई हैं पीछे की तरफ, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। कभी कभी लगता है कभी कभी इसको बंद रखते हैं, अदरवाइज़ आप आनंद सरोवर में जा सकते हैं और जहाँ पर लिटरेचर का वीडियो है बनाया हुआ है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ऐसी दो तीन जगहें हैं शांतिवन में भी जहाँ पर सब कुछ बाबा के किताबें हो गई, मुरली से सारी किताबें मुरली से ही बनी हुई हैं तो वो सब भी हैं, और ट्रांस की लाइट्स वगैरह है। तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमें यहाँ पर, हर चीज़ का, हर बात में खुशी भी है और चांस भी मिला था तो उसको प्रॉपर यूज़ किया हमने, सेवाएं भी दी हैं। और इसके बाद फिर बस कल हम लोग निकल जाएंगे अपने घर की ओर। तो बस इतना ही था यहाँ का अनुभव और इतना ही था यहाँ पे रहने की सेवाएं हो, घूमना फिरना हो, खान पान हो, यहाँ का वातावरण हो, बहुत ही अच्छा है। जो यहाँ पर आते हैं उनको पता है
अगर आपका मन है कि भाई यहाँ पर कैसे विजिट करें, तो अपने नियर बाई सेंटर जहाँ पर आप जाते हो मुरली सुनने या मेडिटेशन सीखने, तो वो आपको लेकर आएंगे शांति वन में। आप उनसे पूछिए क्या प्रोसेस है, कैसा है, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज़ ऐसे अलाउड नहीं है कि आप कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। तो ये था सब कुछ यहाँ पर शांति वन में, पांडव भवन में। और पांडव भवन के ना मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, यही चैनल पे पड़े हुए हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, कैसे खाना बनता है, चार धाम की यात्रा, बाबा का कमरा, सब कुछ A to Z डाला हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा समय मिलते ही। तो जी बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर बाद में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, एंजॉय करो लाइफ को। तो जी अब हम चले, गाड़ी में डाला तेल और निकल चले अपने घर की ओर डीजल फुल करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, ओम शांति, बाय बाय।